नमस्कार दोस्तों, दोस्तों मेरा नाम नरेंद्र विक्रम शाह है। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं कि वायु तत्व की राशि कौन कौन सी होती है और वायु तत्व की राशि के क्या कार्य होते हैं। दोस्तों जो वायु तत्व की राशि है वो है मिथुन राशि, तुला राशि और आपकी कुंभ राशि। यानी कि मिथुन राशि मेहनत की राशि है, तुला राशि आपकी साझेदारी की है, दैनिक इनकम की राशि है और कुंभ राशि लाभ की राशि। यानी कि मेहनत से दैनिक इनकम होगी और दैनिक इनकम से लाभ होगा। ठीक है, तो जो वायु तत्व की राशि यानी वायु तत्व क्या है, वायु को बताया गया है ज्ञान, कम्युनिकेशन, लोगों से संपर्क करने की क्षमता। ये लोग काफ़ी बुद्धिमान होते हैं और फैसला करने में बहुत स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि बुद्धि का जो नाम बताया गया है वो बताया गया है फैसला। ठीक है जी, तो जो अब जो मिथुन राशि के देवता हैं वो बुध हैं और तुला राशि के शुक्र हैं और कुंभ राशि के शनि हैं। ठीक है, बुद्धि है, शुक्र इच्छाएं हैं और शनि कर्म है। ठीक है, जब ये तीनों मिल जाते हैं तभी संसार का चक्र चलता है। ठीक है, लेकिन जो वायु तत्व है वो बताया गया हमारे ज्ञान से, क्योंकि जितने भी आप देखो आप पानी के बिना भी कुछ दिन तक जिंदा रह सकते हैं, अन्न के बिना भी, लेकिन वायु के बिना आप एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि ये प्राण है, ये जीवन है। ठीक है, और इसका जो संबंध जोड़ा गया है, जो हमारा सांस लेने की जो क्षमता होती है, ये हमारा ज्ञान होता है। कहते हैं कि जिस इंसान की मेमोरी कमज़ोर हो ना, वो गहरी गहरी सांसें ले तो इससे उनकी मेमोरी स्ट्रांग हो जाती है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि तो वायु क्या महत्व रखता है। पवन पुत्र हनुमान, यानी कि वायु के पुत्र हैं पवन पुत्र हनुमान, तो कितने बुद्धिमान थे और कितने ताकतवर थे। ठीक है, तो आपका जो वायु तत्व के लोग होते हैं या वायु तत्व की जो राशियां होती है, असल में ये व्यापार से जुड़ी राशियां होती हैं, ज्ञान से जुड़ी राशियां होती हैं। ठीक है, ये संसार में कुछ नया पैदा करने की क्षमता रखती हैं, ये कम्युनिकेशन यानी बातचीत की राशियां होती हैं। ठीक है, ये किसी भी ज्ञान को जो ढका हुआ है उसको बाहर निकालने की क्षमता रखती है, कोई सा भी जो कार्य है जो नहीं हो रहा है उसको चलाने की क्षमता रखती है। ये सब का सब कनेक्शन वायु तत्व से होता है दोस्तों। और जो वायु तत्व की राशियां होती है, ये विस्तार की राशियां होती है, ये फैलाव की राशियां होती है, ये आकर्षण की राशियां होती है जो वायु तत्व होता है दोस्तों। दोस्तों जो वायु तत्व है ये अनाहत चक्र से संबंधित है। और जो वायु होता है सबसे ज़्यादा कब चलता है, वायु सबसे ज़्यादा चलता है रात को। ठीक है, और रात में क्या होता है, अंधेरा, और अंधेरे के बीच में होता है प्रकाश, क्योंकि ज्ञान गहराई में छुपा होता है, ये अंधेरे में होता है जिसमें जाना पड़ता है और उस ज्ञान की रोशनी को लेके आना पड़ता है। ठीक है, इसीलिए जितने बड़े बड़े योगी होते हैं वो रात को ध्यान करते हैं, क्योंकि रात को वायु तत्व तेज चलता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे जो वायु तत्व की राशियां हैं वो कम्युनिकेशन से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, आपका क्या बोलते हैं, ज्ञान से जुड़ी हुई है, आध्यात्मिक से जुड़ी हुई है और कर्म से जुड़ी हुई राशियां हैं दोस्तों ये। ठीक है, तो वायु तत्व का गुण क्या है, ज्ञान, नॉलेज और कम्युनिकेशन, क्योंकि वायु संवाद है, स्वर है, वाणी है, इसके बिना बोल नहीं सकते। और जब आप बोल नहीं सकते तो यहाँ की बात वहाँ तक कैसे समझाओगे, कैसे अपनी इच्छा बताओगे, कैसे किसी अज्ञानी को आप ज्ञान दे पाओगे। इस सब का सब वायु से जुड़ा हुआ होता है, यानी कि जो वायु क्या होती है, इस संसार को चलाने की क्षमता रखती है। ठीक है, यहाँ से वहाँ तक ज्ञान पहुँचाने की क्षमता रखती है। ठीक है, तो इसलिए जो वायु तत्व है, आपने देखा हो पहला होता है मूलाधार, फिर दूसरा होता है आपका जल तत्व, फिर होता है अग्नि तत्व, उसके ऊपर वायु तत्व, यानी कि यहाँ के ऊपर वायु तत्व, यानी कि आकाश पे अब आदमी आ जाएगा, यानी कि ज्ञानी हो जाएगा, वो ज्ञान को प्रकट करने की क्षमता रखता है, जो संसार में लोगों ने अभी देखा ही नहीं, क्योंकि जो ज्ञान है, जो जितने भी आविष्कार पहले से हो चुके हैं, हमें उसे खोजना होता है, कोई पैदा नहीं करता है ज्ञान को, हम उस ज्ञान को खोजते हैं। ठीक है, तो ये सब वायु तत्व से जुड़ा होता है दोस्तों। आप समझ गए होंगे तो वायु तत्व की राशियाँ हैं, इच्छाओं की राशियाँ हैं, मेहनत की राशियाँ और लाभ की राशि है दोस्तों। दोस्तों इसी साथ समाप्त करता हूँ, अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। नमस्कार।